ग्लव्स पहनना। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू कट पाइनएप्पल, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से। शायद आपको मेरा ये तरीका अच्छा भी लगे, तो ग्लव्स जरूर पहने अगर आपने ज्यादा पाइनएप्पल काटने हैं। नहीं तो क्या होता है, हम लोग होटल में 50 60 70 100 पाइनएप्पल काटते हैं, छीलते हैं, तो क्या होता है हाथ खराब हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें। मुझे पता है कई लोगों को ना ग्लव्स पहनने के बाद तकलीफ होती है काम करने में, कटिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए मैं भी आपको अभी काट के दिखाने वाला हूं। तो मैंने लिए हैं 4 पाइनएप्पल, लेकिन आपको एक सबसे पहले दिखाता हूं कैसे आपने काटना है। सबसे पहले यहां से काटें, नीचे से देखिए ऐसे, इस तरीके से ऐसे काट लेना है। उसके बाद आप चाहें तो इसको ये देखिए ऐसे घुमा के निकाल दें, आसानी से निकल जाता है हल्का सा घुमाने से। फिर चाहें तो यहां से थोड़ा काट लें ऐसे, उसके बाद इस तरीके से आपने छील लेना है, ये देखिए ऐसे। बहुत ज्यादा गहरा नहीं छीलना है आपने, ऐसे छील लेना है जैसे कि मैं छील रहा हूं। इस तरीके से कई बार क्या होता है, आप पाइनएप्पल छीलते हैं ऐसे और आपको पता नहीं होता है, तो आपका आधे से ज्यादा पाइनएप्पल देख रहे ना छीलने में चला जाता है। उसके बाद भी पाइनएप्पल के देखिए जड़ें अंदर रहती हैं। तो इससे निपटने के लिए आपने क्या करना है, ऐसे हल्का सा छील लिया जैसे कि मैंने छीला है। उसके बाद अब है इनको निकालने की बारी, और ये जहां तक डिपे वहां तक ऐसे काट देना है, देखिए इस तरीके से। अब इनको निकालना कैसे, तो आपने एक छोटा चाकू लेना है और ये देखिए ऐसे और ऐसे, ये देखिए देखें ना, बहुत ही आसान है ऐसे निकालना है। और ये पूरी लाइन बनी होती है, एक लाइन से होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। देखिए यहां से ऐसे मारा फिर ऐसे मार दिया, ये देखिए, समझे ना कितना आसान है। तो आपने इस तरीके से निकाल लेने, तभी आपको मजा आएगा पाइनएप्पल खाने का। कई लोगों को क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मन होता है पाइनएप्पल खाने का, लेकिन खा नहीं पाते। क्यों? इससे उनका गला खराब हो जाता है। मेरा अपना गला खराब हो जाता है अगर मैं पाइनएप्पल खा लूं तो, अगर वो ढंग से छिला नहीं है तो मेरा भी गला खराब हो जाता है। तो आपने ऐसे छिलना है, देखे ना, ये बहुत ही आसान है। आपको इसके लिए बहुत बड़े चाकू की भी जरूरत नहीं है, घर का जो पतला चाकू होता है ना उससे और भी अच्छा हो जाएगा। आप कई बार मार्केट में जाते हैं और फ्रूट वाले पाइनएप्पल छील के रखते हैं, तो उनके पास भी एक पतला सा ब्लेड होता है, उसी से वो छील लेते हैं। तो आप भी जरूर करें, इतना महंगा आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छीलने के बाद ना इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। तो आप अपने घर पे छील लें, आसान है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। और काटना कैसे है वो छीलने के बाद बताऊंगा। देख रहे हैं आप, पूरा छिल गया है, लेकिन एक लाइन ये बाकी है। जैसे मैंने आपको बोला ना, ये लाइन से होता है, देखिए बिल्कुल ऐसे लाइन से होता है, ये देखिए यहां तक। तो फिर से बता रहा हूं, आसान है, देखिए बस आपने ऐसे और ऐसे नाइफ को मारना रहता है, देखिए इस तरीके से। और एक लाइन में सारे कांटे होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, ये देखिए। हो गया ना क्लीन, ये देखिए लग रहा ना मस्त। अब आपने क्या करना है, ऐसे छीलने के बाद इसको स्लाइस कर लेना है, जितना मोटा आपने खाना है। वाह, अब मैं इसको रखने वाला हूं, देखिए बर्फ के ऊपर, ताकि जब ठंडा हो जाएगा ना तो खाने का मजा ही कुछ और आएगा। आपको पता ही है फ्रूट है, ठंडा कितना मस्त लगेगा। तो आप भी ऐसे ठंडा करके खाएं। अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।